भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माने जाने वाली अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में अब बीजेपी के ही दावेदारों ने भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। अजमेर उत्तर से लगातार पांचवी बार विधायक वासुदेव देवनानी को टिकट देने पर विरोध के स्वर में अब जनता के सामने आने लगे हैं। पहले परिवर्तन की मांग कर रहे वार्ड नंबर 4 से पार्षद और बीजेपी के नेता ज्ञान सरस्वत ने निर्दलीय फॉर्म भर के अपनी दावेदारी जता दी, तो अब वहीं अजमेर के पूर्व सभापति और भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत ने भी अपना नामांकन दाखिल करने का फैसला कर लिया है। लगातार पांचवी बार वासुदेव देवनानी को टिकट दिए जाने से नाराज सुरेंद्र सिंह शेखावत ने आज शास्त्री नगर स्थित समारोह स्थल में अपने समर्थकों के साथ ही उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ चर्चा करते हुए सोमवार को अपना नामांकन दाखिल करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि अब वह पीछे नहीं हटेंगे और यहाँ परिवर्तन लाकर रहेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि बीजेपी से नाराज नहीं है, लेकिन उत्तर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिए जाने को लेकर वह नाराज हैं और जनता ने उन्हें मैदान में उतारने का निर्णय लिया है, जिसके चलते वह 6 नवंबर को नामांकन दाखिल करते हुए अपनी जीत की योजना बनाएंगे और जनता को साथ में लेकर विधानसभा तक पहुंचेंगे, जिससे कि शहर का विकास आगे बढ़ सके। पिछले लंबे समय से शहर का विकास अवरुद्ध है, पानी की समस्या विकराल होती जा रही है, सड़कें खराब हैं और अतिक्रमण के साथ ही भ्रष्टाचार की घटनाएं भी शहर में बढ़ रही हैं। इन सभी के रोकथाम भी जरूरी है। क्या प्राथमिकताएं आपकी रहने वाली है, क्या मजबूरी आ गई कि आपको मैदान में उतरना पड़ा? मेरी मजबूरी तो नहीं मानी जाएगी, लेकिन जो मेरे मित्र हैं, मेरे छोटे भाई हैं, जो लघु भ्राता हैं, उन सबकी जो इच्छाएं थी। कई लोग तो ऐसे हैं जो ये कहने लग गए थे कि यार हम 70 साल के हो जाएंगे जब चुनाव लड़ेगा क्या, कोई 80 साल का होना जा रहा है। तो ये स्थिति ऐसी हो गई थी कि मैं उनकी बातों में बहाने इतने सालों से चलता रहा, लेकिन अंत में स्थिति ये हो गई कि इस बार तो कम से कम हमको था कि 20 जब 76 साल के प्रत्याशी को टिकट दे दिया, तो मैंने अपने आप अंदर सोचा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन जब मेरे यहाँ पर विरोध प्रदर्शन लोगों ने किया, 600-700 जने लोग मेरे ही हाय हाय के नारे लगाने लगे, तो निश्चित तौर पर मैंने उनकी बात को माना और मैंने तय किया कि इस विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा और मैं नामांकन पत्र लेकर आया। और आज मैं मेरे मित्रों का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने दोपहर में ही, मतलब कि इस छोटी सी एक सभा उन्होंने रखी कि खास खास मित्रों को बुलाएंगे और उनके सामने अपनी बात रखेंगे, उन मित्रों की बात सुनेंगे और उसके बाद बड़ी सभा जब समय आएगा, जब एक जो कार्यकर्ताओं की सभा है, आज कार्यकर्ताओं की सभा नहीं थी, आज केवल निजी जो मित्र थे, भाई थे, दोस्त थे, उनके लिए उन लोगों ने तैयारी करी थी। और अब बड़ी सभा जब होगी, जब नामांकन भरेंगे, मेरा नामांकन 6 तारीख को सोमवार को 10 बजे गांधी भवन से लेकर कलेक्ट्रेट पर जाएगा। मैं अजमेर शहर की जनता से निवेदन करना चाहूँगा, इस जुलूस में अधिक संख्या में आप पधारें और आपका संबल मुझे मिलेगा। निश्चित तौर पर मेरे में उम्मीद जागृत होगी और मैं इस चुनाव को जीत कर दिखाऊंगा। धन्यवाद। पहले आप कांग्रेस से ही लड़ते, लेकिन अब बीजेपी से भागी हो गए, तो आप बीजेपी से भी लड़ना? नहीं, मैं बीजेपी से भागी कभी नहीं हुआ। मैं जनता के टिकट पर चुनाव लड़ रहा हूँ, बागियों को चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। लेकिन बीजेपी से तो लड़ना होगा। हाँ, बीजेपी से लड़ना पड़ेगा मुझे, चुनाव लड़ना पड़ेगा। दोनों से किस तरह से आपकी रणनीति रहेगी, समाज जो है वो किधर जाएंगे? जैसे आपने कहा था सिंधी समाज की नाराज है, कल को तो आपका क्या डिसीजन? मैं एक आलू के समान हूँ, जिस आलू को हर सब्जी में डाल लेते हैं ना, उन 36 कौमों के साथ मेरा जो प्रेम, जो मेरा लगाव है, उन सब के साथ इस प्रकार से है जैसे आलू हर सब्जी में डल जाता है। तो मैं हर जगह एक्सेप्टेड हूँ, हर कोई एक्सेप्टेंस देता है मुझे, तो इसलिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। कोई मेरे सामने चुनाव लड़े, कोई भी मेरे सामने आएगा, मैं हर कौम से, 36 जाति से मैं वोट लूँगा। आज जिस प्रकार से आपने देखा, आज भी 36 कौमें यहाँ पर थी, ऐसा नहीं कि राजपूत समाज का सम्मेलन था, राजपूत समाज का सम्मेलन भी थे, राजपूत समाज का सम्मेलन भी होगा, दूसरे समाजों के भी सम्मेलन होंगे, उनमें भी मैं जाऊँगा, वहाँ पर समर्थन भी लूँगा। लेकिन आज जिस प्रकार से जो मित्रों ने रखा, वो एक छोटा सा रखा, और आपका जो कहना है कि आप किस प्रकार से चुनाव लड़ोगे, तो ये जनता ही मुझे चुनाव लड़ाएगी। जनता के टिकट पे जब चुनाव लड़ रहा हूँ, तो इन्हीं का चुनाव है, यही मुझे जिताएंगे। कांग्रेस नेता लावता जी हैं, अगर उनको टिकट मिलता है तो आपका स्टैंड क्या रहेगा? बिल्कुल, अब कोई भी किसी को मिले, जब मैं खड़ा हो गया, मैंने बहुत टाइम तक इंतजार भी किया, मैंने कहा क्या पता कोई समाज का व्यक्ति कहीं आ जाए तो कहीं दिक्कत ना हो जाए। लेकिन इंतजार करने के बाद जब नहीं उनको टिकट मिला, तो निश्चित तौर पर मैंने तय किया कि मेरे को चुनाव लड़ना है और मैं चुनाव लड़ूंगा।